बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम टीचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, सब्जेक्ट टेक्निक ऑफ पेंटिंग, BFA, सेकेंड सेमेस्टर, कोर्स कोड 5115। टुडे लेक्चर इज 13, टाइटल नाइफ पेंटिंग, एंड टीचर नेम मिस शुमाइला खान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नाइफ पेंटिंग, के नाइफ पेंटिंग बेसिकली क्या है और ये किस तरह की जाती है, इसके लिए कौन सा मटेरियल और कौन से टूल चाहिए होते हैं, और कुछ हम पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टुडे द पैलेट नाइफ इज यूज्ड बाय आर्टिस्ट एवरीवेयर फॉर मेनी डिफरेंट रीजन। नो मैटर इफ यू पेंट विद ऑयल और एक्रेलिक, लूज और डिटेल, thick or thin, you can use a palette knife in your painting. Here are several techniques to add to your bag of tricks. Impasto painting, yeah, pesto painting, ठीक है। Impasto is a way of applying paint, specifically a thick texture application of paint where the mark made by the brush or painting knife stay visible. Impasto is evident in the work of artists such as Vincent Van Gogh. ठीक है, Van Gogh का जो काम था उसमें आप impasto painting की लुक आती है, क्यों वो थिक स्ट्रोक लगाते थे। ठीक है, हिस्ट्री, अब इसकी हिस्ट्री क्या है। In 1899, Charles Hawthorne, a New England artist and art teacher, ठीक है, आर्टिस्ट भी थे और आर्ट टीचर भी थे, एस्टेब्लिश द आउटडोर पेंटिंग स्कूल, द कैप कॉड स्कूल ऑफ आर्ट, ये इनके स्कूल का नाम है। ठीक है, वेयर ही इन्वेंट द पैलेट नाइफ वाइल टीचिंग हिज स्टूडेंट टू यूज ब्रॉडर स्ट्रोक इन देयर पेंटिंग। ही वुड यूज टू पुटिन नाइफ, पुटिन नाइफ होता है जो आमतौर पर डोमेस्टिक नाइफ होती है ना, जो किचन में यूज़ हो रही होती है, वो to apply the paint. That putty knife blossom into palette knife of all shapes and size. Common use of a palette knife, के आमतौर पर जो था वो palette knife का जो use जो था वो क्या था। ठीक है, the use, common use of palette knife is to add texture to a painting, मतलब पेंटिंग के अंदर टेक्सचर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता था। दिस इज़ यूजुअली डन विद अ लार्जर वाइडर पैलेट नाइफ हैपेंड हाई विद पेंट, देन द पेंट इज स्मूथ ऑन टू द कैनवस लाइक आइकिंग ऑन अ केक। ठीक, जैसे हम केक के ऊपर लेयर लगाते हैं, इसी तरह वो पैलेट के ऊपर या कैनवस के ऊपर अपनी नाइफ्स के साथ लेयर जो थे वो पेंट की लगाते थे हाई। Lifting the knife slightly off the canvas while you sweep can produce beautiful fluid threads to build your painting upon. The more flexible the knife, the more control you have of the paint, thought some artists, perfect stiff knife. Okay, you can see this image, kis tarah se strokes lage hue broadly। इंट्रोडक्शन, अब हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है। पहले तो हमने थोड़ा सा हिस्ट्री और इसकी डेफिनेशन पढ़ी। द टर्म पेंटिंग नाइफ एंड पैलेट नाइफ आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबल बाय डिस्क्राइबिंग द टेक्निक्स ऑफ अप्लाइंग पेंट टू अ सरफेस विद अ ब्लेड ऑफ एन आर्टिस्ट नाइफ। बोथ टूल्स आर मेड ऑफ आइदर प्लास्टिक ऑफ और ऑफ वुड एंड मेटल। बोथ आर available in a variety of blade shapes and size. A palette knife handle is generally straight, having at smooth and most a slight blend. ठीक है, मतलब straight होता है, थोड़ा सा bent हुआ हुआ होता है, slightly सा। The purpose of the palette knife is to mix color or clean the surface of the palette. On the other hand, a painting knife has a deep bend in the handle that keep the artist's projection out of the paint. As its name indicates, a painting knife is a use for actual painting.
मतलब जो पैलेट नाइफ है वो पैलेट को साफ़ करने के लिए आमतौर पे यूज़ होता था, ठीक है। फिर जब पेंटिंग में वो स्टार्ट हो गया तो उसे पेंटिंग नाइफ के तौर पे कहा जा सकता है। द पैलेट नाइफ इज़ नॉट जस्ट अ टूल फॉर मिक्सिंग पेंट ऑन योर पैलेट, यू कैन एक्चुअली यूज़ अ पैलेट नाइफ टू क्रिएट सम प्रिटी स्टनिंग इफेक्ट इन योर पेंटिंग विच आर नॉट पॉसिबल विद अ ब्रश। सम आर्टिस्ट इग्नोर द ब्रश आल टूगेदर इन फेवर ऑफ द पैलेट नाइफ। यू कैन सी के इन टू इमेजेस के आप किस तरह से कितने बोल्ड स्ट्रोक आप ब्रश के साथ नहीं लगा सकते, इतना थिक पेंट आप ब्रश के साथ नहीं लगा सकते। ये अब जैसे आप ये लैंडस्केप देख रहे हैं जिसमें एक सनसेट का जो है ना वो बनाया गया है, तो आप देखें किस तरह से उस पर बोल्ड स्ट्रोक लगे हुए। इसी तरह ये एक ट्री वाला जो है जिसमें स्नो का इफेक्ट है, और तो ये भी जो है आप ब्रश के साथ नहीं लगा सकते इतना थिक पेंट ना। द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द पैलेट नाइफ। प्रोस मीन प्रोफेशनल और कॉन्स मीन कॉन्शियस, ठीक। इट इज़ सो ईजी टू क्लीन अ पैलेट नाइफ, यू लिटरली जस्ट नीड वन विप विद अ क्लॉथ और पेपर टॉवल एंड ऑल द पेंट इज गॉन। इसको साफ करना बड़ा आसान है, ठीक है। जैसे कि हम पेपर टॉवल से या किसी भी क्लॉथ से आप इसको उठा सकते हैं। दिस इज़ अ ह्यूज एडवांटेज ओवर ब्रशेज विच रिक्वायर मच मोर केयर। इट कैन बी चीप डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द पैलेट नाइफ। इट इज़ ग्रेट फॉर बिल्डिंग अप अ थिक टेक्स्चर एंड क्रिएटिंग अ ब्रोकन कलर इफेक्ट। यू कैन यूज़ द एज ऑफ द पैलेट नाइफ टू क्रिएट शार्प लाइन्स, ठीक है। द बोल्ड स्ट्रोक क्रिएट्स बाय द पैलेट नाइफ कैन कम्प्लीट द मोर डेलिकेट स्ट्रोक क्रिएट बाय द ब्रश। यू कैन पेंट ऑन द टॉप ऑफ वेट लेयर without having to worry about the paint blending like it does with your brush। मतलब हम जब ब्रश के साथ sometime जो है वो टॉप पे कलर लगाते हैं तो वो मिक्स हो जाता है हमें बार बार जब हम, लेकिन जब हम पैलेट से उसकी टिप से लगाएंगे ना तो जो हम कलर लगाएंगे वो वहीं पर एग्जैक्ट रह जाता है, मिक्स नहीं होता, मतलब इतना थिक सा होता है। कॉन्स, यू आर नॉट एबल टू पेंट विद एज मच एक्यूरेसी यूजिंग अ पैलेट नाइफ। मतलब आप इसको बहुत एक्यूरेसी के साथ पेंट नहीं कर सकते लेवल जितना आप ब्रश के साथ एक्यूरेसी अपनी पेंटिंग के अंदर लेके आ सकते। इट इज़ नॉट एज वर्सटाइल एज अ ब्रश, ना ही, और ना ही ये ब्रश इतना वर्सटाइल है। ये एक इसका आप कहने के फॉल्ट है। आप ये देखें किस तरह से ये जो कुकू बनाया हुआ है, तो इसको आप देख लें किस तरह से उसके फैदर का इफेक्ट है और किस तरह से लेयर बाय लेयर उस पर काम हुआ है, लेकिन कोई भी कलर एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो रहा। व्हाट टू लुक फॉर एन इन अ पैलेट नाइफ, ठीक है। अ फ्लेक्सिबल बट स्टडी ब्लेड, अ कंफर्टेबल हैंडल, अ लॉन्ग स्ट्रेट एज। You do not need any unusual shape, just a standard shape palette knife in a different size is more than enough। ये आप देख सकते हैं कि ये कितने sizes में available है और क्या इसकी shape है, ठीक है। Common use of the palette knife, here are some of the way you use the palette knife in your painting। To paint the highlights on rocks, to paint snow on a mountain, to build up texture in the foreground, to imitate the grass, rocks and other nature, to paint the leaves or bark on a tree, to quick cover the canvas with paint, to paint lines for beginners, to paint lines for barriers, tree branches or sharp edge, and of course use the palette knife to mix color on a palette and also to clean up space on palette if things start to get out of control। ठीक, नाइफ टेक्निक। अब हमने जो पढ़ा इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ थी, अब हम जो इसकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्निक्स किस किस टेक्निक्स में ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। थिन लाइन, you can use the palette knife to create thin usually broken lines which can look
वेरी नेचुरल इन अ पेंटिंग. ऑल यू नीड टू डू इज लॉट द एज ऑफ द पैलेट नाइफ विद अ थिन अमाउंट ऑफ पेंट एंड देन डब द एज ऑन द कैनवस. जस्ट मेक श्योर द पेंट इज इवनली स्प्रेड अक्रॉस द एज ऑफ द नाइफ. ऑल्सो यू विल यूजली ओनली गेट वन लाइन पर स्ट्रोक, सो यू विल नीड टू कीप रीलोडिंग योर पैलेट नाइफ बिटवीन स्ट्रोक. अब ये आप देख सकते हैं दो इमेजेस हैं आपके पास कि किस तरह से थिन लाइन के साथ काम किया गया है और कितने डेलिकेट स्टाइल में है और इंटरेस्टिंग ड्रैगिंग वन कलर इनटू अनदर कलर के एक कलर के साथ हम दूसरा कलर कैसे ड्रैग कर सकते हैं. द पैलेट नाइफ कैन बी फंटास्टिक फॉर ब्लेंडिंग एज बाय ड्रैगिंग वन कलर इनटू अनदर. व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज अ वेरी रफ एंड स्कैटर्ड एज. इफ यू वर टू डू दिस विद अ ब्रश यू विल गेट मच सॉफ्टर एज. मतलब अगर आप इसी तरह ये इमेजेस में देख लें ये जो सनफ्लावर के बने हुए हैं इसके एजेस कितने रफ से हैं ना, अगर आपने ये इफेक्ट लाना हो ब्रश के अंदर तो आपको बहुत एफर्ट करनी पड़े ठीक है, लेकिन पैलेट नाइफ के साथ आप बड़े मज़े से इजीली आप ये अप्रोच अपनी पेंटिंग के अंदर लेकर आ सकते हैं. इसी तरह आप ये दूसरी में देख लें कि आप ये ट्री के फॉलियज देख सकते हैं, ग्रास का इफेक्ट दे सकते हैं ठीक है, ईजीली आप उसको जो है ना कवर कर सकते हैं, जबकि ब्रश के साथ इसको कवर करना थोड़ा सा ट्रिकी है. स्क्रैपिंग अवे पेंट टू फिक्स एरर और एड डिटेल. दिस इज वेयर द पैलेट नाइफ रियली शाइन्स. यू कैन क्विकली स्क्रैप अवे पेंट फ्रॉम द कैनवस टू क्लियर एन एरिया वेयर यू वांट रॉन्ग. You can also use the palette knife to scrap detail into your painting. For example, you could scrap away a thin line of painting to imitate a tree branch. When doing this, you just need to be aware of what color will be exposed in the under painting. Staining the canvas comes in handy here as you will get some sense earthly color exposed rather than just the obvious white of the simple canvas. ठीक है कि आप किस तरह से जो है ट्री के ब्रांचेस को किस तरह पेंट कर सकते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से उसे एक्सपोज करना है अपने कैनवस के ऊपर. मल्टी कलर पैलेट नाइफ स्ट्रोक. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक. ठीक है कि आप किस तरह से मल्टी कलर लेकर आ सकते हैं. आई होप ये आपकी भी बन सकती है. जस्ट टेक फ्यू डिफरेंट कलर एंड मिक्स देम टुगेदर बट नॉट डैट वेल. देन टेक योर पैलेट नाइफ एंड क्रिएट अ थिक स्ट्रोक ऑफ ब्रोकन कलर. आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट के अंदर कितने ब्रोकन कलर लगे हुए हैं और थिक कलर लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी कलर एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो रहा. जो कलर जितनी क्वांटिटी के साथ और जितनी स्पेस में लगाया गया है वो उतनी ही स्पेस में है. सी स्टम्बलिंग ओवर एंड अंडर पेंटिंग. यूजुअली प्रेफर अ ब्रश फॉर स्टम्बलिंग our and underpainting is as it give more control. However, you can use the palette knife for this also. You can get some very interesting resulting by doing this with a palette knife. What this involves is dragging paint very closely over and underpainting so that the painting break off onto the canvas. This can be useful for adding modification to वाटर और ग्रास. ये देख सकते हैं आप इमेज के अंदर कि किस तरह से पानी और ग्रास का इफेक्ट बनाया गया है. डबिंग स्मॉल ब्रश ऑफ कलर. This technique involves loading the tips of the knife in thick paints, usually some kind of vivid color, then dabbing it
ऑन टू द पेंटिंग. दिस टेक्निक इज अ लेटर स्टेज ऑफ पेंटिंग व्हेन यू वांट टू ऐड अ फ्यू स्मॉल स्पॉट ऑफ कलर. दिस इज ग्रेट फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ एक्टिविटी विदाउट एक्चुअली हैविंग टू रेंडर ऑल द डिटेल. सी द इमेज कि किस तरह से आप बहुत ज़्यादा डिटेल निकालने के बगैर आप काम कर सकते हैं. ब्रोकन कलर बिकॉज ऑफ द पैलेट नाइफ अलाउ यू टू पेंट लेयर ऑन लेयर विदाउट हैविंग द पेंट ब्लेंडिंग टुगेदर. यू कैन अचीव सम ब्यूटिफुल ब्रोकन कलर इफेक्ट विच आर नॉट पॉसिबल विद अ ब्रश. द रशियन इम्प्रेशनिस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस इन मैनी ऑफ देयर पेंटिंग्स. द रिजल्ट इज अ वाइब्रेंट डिस्प्ले ऑफ कलर विच ऑलमोस्ट सेम्स टू वाइब्रेट. आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लेयर बाय लेयर काम किया गया है और वाइब्रेंट कलर लगाए हुए हैं. ब्रोकिंग है, एक कलर दूसरे कलर के साथ मिक्स नहीं हो रहा. इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग. हेयर आर सम जनरल पैलेट नाइफ पेंटिंग टिप्स. मेक श्योर टू क्लीन योर पैलेट नाइफ आफ्टर यू हैव फिनिश. इफ यू फॉरगेट द पेंट विल ड्राई एंड योर पैलेट नाइफ विल बी ऑलमोस्ट वर्थलेस as it will have a rough edge. You might be able to save your palette knife by scrubbing the dried paint away with a razor, but sometimes this is just not worth the bother. Do not get too regular with your palette knife strokes. Try to mix things up in terms of stroke length, color or texture. You do not need all the unusual palette knife shape. You just need a few size of standard shape palette knife. The palette knife can scrape away paint just as easily as it can apply paint. The palette knife come at the sacrifice of accuracy and intact brush work. So try to make up for it with stunning use of color. The palette knife is great for sharp shift in color. For example, if you want to indicate some sunlight peering through a dark branches of trees, the palette knife will be a great for this. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि आप कि आप किस किस तरह से palette knife को use कर सकते हैं और किस तरह से उसे handle कर सकते हैं. ठीक, पैलेट नाइफ इज़ द बेस्ट यूज इन द कॉम्बिनेशन विद ब्रश. मतलब आप इसे ब्रश के साथ बहुत मज़े से कॉम्बिनेशन बना के यूज़ कर सकते हैं. यू कैन गेट सम ब्यूटीफुल कंट्रास्टिंग इफेक्ट बाय यूजिंग बोथ इन योर पेंटिंग. हाउएवर यू डो नॉट वांट टू मच कंट्रास्ट. यू वांट ऑल द एलिमेंट इन योर पेंटिंग टू वर्क टुगेदर. सो मेक श्योर योर पैलेट नाइफ वर्क इज समवट इन हारमोनी विद योर ब्रश वर्क. A technique you frequently use is to soften the edge of any palette knife stroke with your brush or run your palette knife over visible brush stroke. This can create a delicate connection between the palette knife work and brush stroke. You should also make sure there is either a dominant a palette knife work or a brush brushwork. You properly should not use both equally throughout your painting as it may look slightly confused. मतलब अगर आपने जितने स्ट्रोक आपने नाइफ के लगाए उतने स्ट्रोक आप ब्रश के लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो स्लाइटली कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना, देखने में इतने मज़े का लगेगा ना उसमें. अगर आप कहीं पे पैलेट का नाइफ ज़्यादा है, यूज़ ज़्यादा है और ब्रश का यूज़ कम कर रहे हैं, या ब्रश का ज़्यादा है और पैलेट का यूज़ कम कर रहे हैं, नाइफ का यूज़ कम कर रहे हैं, तो वो इट्स मोर इंटरेस्टिंग एंड डेलिकेट फॉर यू एंड ऑल्सो योर व्यूअर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट नाइफ पेंटिंग एंड योर कंसर्न टीचर डिस्कस मोर एंड क्लियर योर क्वेश्चन. थैंक यू. स्टे ब्लेस. अल्लाह हाफिज़.